हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास एलेवेंथ में हिंदी पेपर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, साथ ही आप लोग का आंसर भी बताने वाले। आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो ये आपका पेपर नंबर वन है, हिंदी कोरिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए, तो 40 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का था। ठीक है, उस समय आप लोग को एक घंटा दिया गया था। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग आंसर को मिलाते जाइएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अपठित बोध दिया खंड का में, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में था कवि किसे संबोधित कर रहा है, तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, नौजवानों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका कवि किसकी उपासना की बात करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया था वर्तमान युग का धर्म क्या है, तो शक्ति का प्रयोग करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया था प्रस्तुत कविता का शीर्षक है क्या, तो शांति का प्रयोग होगा। ठीक है, शायद ऑप्शन नंबर टू भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है ऑप्शन नंबर वन का। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया था कि पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है, तो मन एवं भावना का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया था शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है, तो पर्यावरण का विनाश, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया था मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती थी, तो भोर के वेला में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया था शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय है पर्यावरण की समृद्धि, ऑप्शन नंबर चार, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर नाइन, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संवाददाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा गया था समाचार लेखन में निम्नलिखित किसकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार होगा संपादक मंडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था भारत के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है, वॉचडॉग व पत्रकारिता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा। ठीक है, वॉचडॉग पत्रकारिता। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं एन पुरुष में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार होगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया निबंध का अर्थ क्या होता है, बांधना। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पत्रकारिता को। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार होगा, छः। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि एक श्रव्य माध्यम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था जन संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इनमें से सभी का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मीराबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो ऑप्शन नंबर टू, कृष्ण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, कुल की कहानी का अर्थ क्या, तो परिवार की मर्यादा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन, कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू, नील गगन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चले गए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार, द्वारिका। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, घर की आद कविता कवि ने किस दौरान लिखी, तो जल प्रवास के दौरान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, किसे जुगनू की लो में पढ़ना का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वह होगा, साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, थ्री मुट्ठी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया था अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है, तो सत्यजीत राय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट प्रश्न 29, फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, 2.5 साल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 है, शायद यहाँ पे क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा। ठीक है, 80 साल क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका है
ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, त्रिलोक सिंह। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन शायद यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, विदाई संभाषण पाठ में किसको विदाई की चर्चा की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, रजनी किस प्रकार की नारी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी 4। ठीक है, अगला प्रश्न 35, स्पीति नदी किस नदी में मिलती है, तो सतलुज नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 36 का जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध कवि कथा है या हैश बैंक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 36 का। नेक्स्ट प्रश्न 37 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत करता है, तो पानी की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न 38, लता मंगेशकर किस प्रसिद्ध नायक की बेटी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दीनानाथ मंगेशकर की। ठीक है, लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 39, पालर पानी किसे कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, बरसात से मिलने वाला जल। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, बेबी हालदार को लिखने के लिए किसे किसने उत्साहित किया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तातुस ने। तो इस प्रकार आप लोग के एग्जाम में टोटल 40 प्रश्न पूछे गए, तो आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है, यानी कि 40 में से कितना नंबर आ रहा है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।